हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ऑल इन वन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ड्राई फ्रूट्स तो हम सभी बहुत खाते हैं, टी टाइम स्नैक्स के लिए ये बहुत अच्छी आइटम है भी। तो अगर ये ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्टेड और नमकीन हो तो इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि हम इन काजू और बादामों को घर पर ही रोस्ट कैसे कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ मेरी किचन में और बनाएं काजू और बादाम को रोस्ट करना। काजू रोस्ट करने के लिए मैंने लिए हैं एक कटोरी काजू और एक कटोरी ही बादाम लिए हैं। इसे मैं घी में रोस्ट करके बताऊंगी। हम नमक वाले ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, इसे मैं घी में रोस्ट करना बताऊंगी। तो मैंने इसके लिए एक पैन लिया है, इसे फ्लेम को ऑन करके इसमें बस बिल्कुल एक चम्मच घी डालेंगे। आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें घी से रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इसे घर पर बना रहे हैं तो क्यों ना हम ज़्यादा अच्छा बनाएं। और अगर आपको तेल में पसंद है तो आप इसे तेल में भी रोस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बस एक चम्मच ही घी लगेगा। और इसमें अब हम घी पिघलने के बाद इसमें डालेंगे हमारे काजू, और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। इसे धीरे धीरे हिलाते हुए लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि ये नीचे से जल ना जाए, इसलिए हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हम 3 मिनट लगभग इसे रोस्ट करने में लगेंगे। और ये हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन जब होने लगे तब तक हम इसे लगातार चलाते हुए सेकेंगे, और ये बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। अब ये देखिए हमारे काजू गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो चुके हैं और अच्छे से हो चुके हैं। अब इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने में लगभग 3 मिनट का समय लगा था, और ये हमारे अब काजू रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा इसको टैंगी सा फ्लेवर देने के लिए चाट मसाला, और थोड़ा सा नॉर्मल नमक भी डाल लेंगे। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए अब इसमें नमक मिर्च मिलाने के बाद हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ताकि ये थोड़े ठंडे होने के बाद हो जाएंगे। तब तक हम बादाम रोस्ट करते हैं। बादाम रोस्ट करने के लिए मैं फिर से पैन में घी डालूंगी, एक चम्मच वैसे ही घी डालकर। अब इसमें हम घी पिघल जाए तो इसमें हम डालेंगे बादाम, और उसी तरह से 3-4 मिनट तक इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। हमें इन्हें रोस्ट करते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं, और अब इनका कलर भी चेंज हो चुका है और ये अच्छे से रोस्ट भी हो चुके हैं। अब हम इन्हें लगातार चलाते हुए मैंने इसे सेका है, क्योंकि अगर हम इसे छोड़ देंगे तो इनके नीचे जलने का डर रहता है, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही हमें इन्हें रोस्ट करना है। और अब हमारे ये बादाम भी रोस्ट हो चुके हैं। अब इसे एक पैन में निकालेंगे, गैस को ऑफ करेंगे और पैन में निकाल लेंगे इन्हें। इसमें भी उसी तरह से थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च और टैंगी टैंगी फ्लेवर के लिए चाट मसाला। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और अब इसे भी 5 मिनट के लिए काजू और बादाम दोनों को ढककर रख देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब ये एकदम से क्रंची हो जाएंगे। 15-20 मिनट हो चुके हैं, और अब हमारे ये काजू और बादाम भी एकदम ठंडे हो चुके हैं। अब ये देखिए कितने क्रंची बने हैं। अभी इसे हम तोड़कर ये देखेंगे, ये देखिए कितने आवाज भी आ रही है और एकदम क्रंची है, और नमक भी बहुत ही अच्छा है, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। इसी तरह से मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, ये देखिए कितने क्रंची बने हैं, और ये
नमक मिर्च भी बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।